मल्टीप्लाई एग्जांपल वो आइडेंटिटी जो मैंने कल आपको कराई थी उसके आइडेंटिटी के सम मैं करवाऊंगा आपको। फर्स्ट सम है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर अक्रम सेम है, यहाँ पर दो रकमें डिफरेंट है, इसको ए ले लो इसको बी ले लो। तो आइडेंटिटी हमारी क्या लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर ए और बी का सम लगेगा, यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का निशान डालेंगे, दोनों रकमों को साथ साथ में लिख लेंगे, माइनस 3 प्लस 5। यहाँ पर बाहर एक्स है, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू प्लस 5। तो इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए, ओके 5 बड़ा 3 छोटा है तो 2 आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5 3 का 15। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही एक सम और होगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। एक बार 4 माइनस का है एक बार प्लस का है, x दोनों में सेम है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी है नंबर आइडेंटिटी नंबर 4, ये वाली है आइडेंटिटी नंबर 3, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो बी है 4 है ए है एक्स। तो एक बार इसको प्लस कर लिया, एक बार माइनस को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ये हमारा आंसर हो गया। आइडेंटिटी नंबर 1 के हिसाब से आ गया, मान लो 2x प्लस 3 का हमने स्क्वायर करना है तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। ये हो गया 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 9 प्लस 2 3 12 इंटू एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको एक जीवन